राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बीच दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा पर थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कुछ विशेष पलों की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया है। पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति का संदेश देते हुए कहा कि बातचीत ही मौजूदा संघर्ष का एकमात्र समाधान है। कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और दो कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता। इस साल की शुरुआत में 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का भी दौरा किया था। उस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ विशेष क्षण भी साझा किए थे और संघर्ष के समाधान के रूप में शांति वार्ता को अहम बताया। राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन दोनों के प्रति पीएम मोदी के गर्मजोशी भरे मुलाकात के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों को गले लगाना भारतीय संस्कृति है। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, यू नो, इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन पीपल मीट पीपल दे आर गिवन टू एम्ब्रेसिंग ईच अदर। इट मे नॉट बी पार्ट ऑफ योर कल्चर बट आई अश्योर यू इट्स पार्ट ऑफ अस। सो In fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे, तो सभी की नजरें इस यात्रा पर टिकी थीं।